गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ योर निलोफर मैम। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स एंड योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग द सिलेबस ऑफ इंटरनल असाइनमेंट A1। आर सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर एंड इन टुडेज़ वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू वर्कशीट 7। सो लाइक ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग द वर्क यू ऑल हैव टू मैंशन टुडेज़ डेट इन योर कॉपीज, दैट इज 15 अप्रैल 2021। With this you have to mention online classwork in your copies, and with this you have to mention lesson 3 in your copies. Topic of the lesson is adjectives. So as you have seen that from today we are starting a new lesson, that is lesson 3, adjectives. The explanation of lesson 3 I have already provided through a YouTube link in your WhatsApp group. I hope you all have seen that video and understood the topic well. Now let's come back to the work of today's worksheet. In today's worksheet, I will explain you the definitions related to adjectives only. So the first definition is of adjectives. An adjective is a word that tells us more about a noun or pronoun. Adjective वो शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में और ज़्यादा बताते हैं, उनको describe करते हैं. Example is, she is an intelligent girl. वह एक intelligent लड़की है. Which type of a girl she is? Intelligent. So here, intelligent is describing girl only. नेक्स्ट इज आई सॉ अ मेजेस्टिक बिल्डिंग, मैंने एक मेजेस्टिक बिल्डिंग देखी. विच टाइप ऑफ बिल्डिंग आई हैव सीन? दैट इज मेजेस्टिक. सो हियर मेजेस्टिक इज डिस्क्राइबिंग द बिल्डिंग विच इज अ नाउन ओनली. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज नेम द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स वी विल डू इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म. सो हियर द हेडिंग इज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ एडजेक्टिव. थर्ड डेफिनेशन इज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. सॉरी, इट टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या करता है? हमें एक नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है. एग्जाम्पल, यू कैन सी द बॉय वॉज ऑनेस्ट, द किंग इज ग्रेटफुल. लड़का कैसा था? ऑनेस्ट था, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ बॉय. द किंग इज ग्रेटफुल, किंग कैसा है? ग्रेटफुल है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वान्टिटी. इट टेल्स अस द क्वान्टिटी ऑफ अ नाउन. ये क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वान्टिटी बताता है, मात्रा बताता है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज लिटिल नॉलेज. उसकी नॉलेज कितनी है? थोड़ी है, लिटिल. सेकेंड इज शी हैज़ नॉट ईटन एनी फूड. उसने खाना नहीं खाया है. एनी मीन्स बिल्कुल भी नहीं खाया है. सो हियर यू कैन सी दैट लिटिल एंड एनी दे बोथ आर रेफरिंग टू द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. इट टेल्स अस द नंबर ऑफ अ नाउन. ये क्या करता है? नाउन्स के नंबर्स बताता है. एग्जाम्पल यू कैन सी फर्स्ट वन इज ही हैज़ 5 पेन्स. उसके पास 5 पेन हैं. सेकेंड इज देयर इज नो पिक्चर ऑन द वॉल. दीवार पर कोई भी तस्वीर नहीं है. सो यू कैन सी बोथ एग्जाम्पल्स आर रेफरिंग टू द नंबर्स ऑफ नाउन. नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन्स के थ्रू फॉर्म किए जाते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द गैंगेटिक प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. जो गैंगेटिक प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं. सो हियर गैंगेटिक इज फॉर्म्ड फ्रॉम गंगा, विच इज़ अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज स्विस चॉकलेट इज फेमस इन द वर्ल्ड. स्विस चॉकलेट जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है. सो हियर स्विस इज द नेम ऑफ अ कंट्री एंड वी हैव एडेड चॉकलेट. सो हमने यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया, स्विस चॉकलेट. एंड प्रॉपर एडजेक्टिव ऑल्सो स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर ओनली, लाइक प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इट आस्क अ क्वेश्चन. इट आस्क क्वेश्चंस. ये सवाल पूछता है. And most of the time in the answer you will get a noun only. Whose pen is this? किसका pen है? Second, which road leads to Bareilly? कौन सा road जो है वो Bareilly की तरफ जाता है? Next definition is of possessive adjectives. It shows belonging or possession. ये क्या करते हैं? Belonging दिखाते हैं और possession दिखाते हैं, स्वामित्व. Example is his watch is expensive. उसकी जो watch है वो expensive है. Whose watch? His watch. नेक्स्ट इज दिस योर कोट. क्या ये तुम्हारा कोट है? हुज कोट? योर कोट. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू इन अ सेंटेंस. सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं? ये उस नाउन को, सॉरी उस पर्सन और उस थिंग को रेफर कर पॉइंट आउट करते हैं जो रेफर की जा रही है एक सेंटेंस में. दैट इज दोज गर्ल्स आर माई सिस्टर्स. वे लड़कियां मेरी
बहनें हैं. दिस बॉय इज स्मार्ट, यह लड़का स्मार्ट है. सो हियर दोज इज रेफरिंग टू गर्ल्स विच इज अ नाउन एंड दिस इज रेफरिंग टू बॉय विच इज अ नाउन ओनली. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. इट रेफर्स टू ईच पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप. ये एक ग्रुप में हर व्यक्ति और हर चीज को रेफर करता है. एग्जाम्पल इज एवरी चाइल्ड विल कम टुमारो, हर बच्चा कल आएगा. आइदर पेन विल डू वर्क, कोई सा भी पेन काम करेगा. सो दीज वर द डेफिनेशंस रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ स्टिल एनी कन्फ्यूजन इज देयर, सो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो. आई विल मीट यू इन द अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो. टिल दैट कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय एवरीवन.